नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आर्थिक सर्वे ने आम बजट के लिए मंच सजा दिया है। सर्वे में अगले साल 7 से 7.5% के बीच ग्रोथ का अनुमान बताया गया है। ये भी कहा गया है कि इकोनॉमी अब नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव से बाहर आ चुकी है। जीएसटी से जुड़ी सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। निजी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक सर्वे को बहुत उम्मीदें हैं। वैसे महंगाई, वित्तीय अनुशासन और टैक्स कलेक्शन को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। अब देखना है कि आर्थिक सर्वे के बाद बजट कैसा होता है। लेकिन सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी से ये भरोसा दिला रहे हैं कि इकोनॉमी के अच्छे दिन आने वाले हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने तो यहां तक कहा कि आर्थिक सर्वे ने जो अनुमान दिए हैं, असल में ग्रोथ उससे भी ज्यादा यानी करीब 8% तक जा सकती है और उन्हें निजी निवेश में बढ़ोतरी भी साफ दिखाई पड़ रही है। हमारा जो निवेश है, निवेश का दर ऑफ नॉन फूड क्रेडिट जो है, जो अभी पिछले साल 2016-17 में सिर्फ 4.6% बढ़ा था, वो ऑलरेडी नवंबर तक 8.9 की दर से बढ़ रहा है और जो मुझे अभी लेटेस्ट डेटा मिला है ये कि अब वो करीब करीब 12% से बढ़ रहा है। तो हमारा निवेश, हमारा जो प्राइवेट निवेश है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए मुझे इससे बहुत अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा लगता है। मुझे आशा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में और तेज़ी आएगी। बजट सर्वे बहुत साफ साफ बता रहा है कि हमारी जो आर्थिक गति है वो अब तेज़ी तेज़ होगी और तेज़ रफ्तार पे आ चुकी है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगले साल में हम लोग 7.5 से 7.75% की आर्थिक गति को प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है ये अंडर एस्टिमेट है, ये 7.5 से 8% होगा। इधर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम इस बात पर शर्त लगाने को तैयार हैं कि आने वाले 2 साल में देश के 1 या 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की शुरुआत जरूर हो जाएगी। बहुत सारी चर्चा हुई उसके बाद यूबीआई के बारे में और अभी भी चर्चा चल रही है, यू नो, नॉट जस्ट इन द सेंटर बट द स्टेट्स दे आर डिस्कसिंग दिस। एंड मैं एक आपसे एक शर्त ले सकता हूं, अगर आप लेंगे तो मेरे साथ, कि Within the next 2 years, at least 1 or 2 states will be implementing UBI. और रोज की तरह अपनी इस चर्चा में आज भी आपको भी यानी दर्शकों को भी शामिल कर रहे हैं। आपसे हम आज पूछ रहे हैं कि क्या इस बार मोदी सरकार एक चुनावी बजट पेश करेगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। बजट से पहले सीएनबीसी आवाज पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी CM वासुदेव, टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजू जनता दल के सांसद तथागत सतपथी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कुछ देर में शामिल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। मैं आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का एक समय तय किया हुआ है। अपना पहला कमेंट इसी वक्त में पूरा करेंगे तो बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी और ये समय खत्म होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाएगी। सबसे पहले मैं वासुदेव साहब आपके पास आना चाहता हूं। आपने फाइनेंस समेत कई आर्थिक पोर्टफोलियो संभाले हैं। जो सर्वे में आज तस्वीर दिखाई गई है, इसे देखकर यह कहना सही है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और आगे हमें कुछ और अच्छे फैसले इस सरकार से देखने को मिल सकते हैं? बजट में कुछ ऐसा आएगा जिससे कि वास्तव में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए? देखिए, पहले तो मैं ये जरा स्पष्ट कर दूं कि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एज फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सही नहीं है। मैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हूं। ओह, मैं माफी चाहता हूं। आप भी तो सचिव थे, मुझे याद है। सो जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा, तो ये जो रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय में जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स हैं हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो अपना एक चिट्ठा तैयार करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो साल बीत रहा है 17-18, उसमें एक इकोनॉमी ने कैसा काम किया है, आगे आने वाले साल में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जा सकता है। ये एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट है। ये सरकार का भी व्यू पॉइंट मानना, मैं समझता हूँ, सही नहीं होगा, स्पेशली किस दिशा में आगे कार्य बजट बनेगा, क्योंकि वित्त मंत्री का यही रोल होता है, मुख्य रोल यही है बजट बनाने में। ये जो प्रोफेशनल इनपुट इकोनॉमिस्ट के माध्यम से उनको मिल रहे हैं, उसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन दे के एक बजट तैयार करके उसको पेश किया जाए। अब ये इकोनॉमिक सर्वे में दोनों
प्रकार के मैं समझता हूँ मैसेजेस हैं, अच्छे भी हैं और कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस भी नहीं हैं। अच्छे मैसेजेस तो ये किए हैं कि जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के जो समस्याएं थी उससे हम उभर के बाहर निकल आए हैं, अब वो एक किस्म से हिस्ट्री हो गया है और जीएसटी ऑन ट्रैक है। टैक्स बेस बढ़ने की बात कही गई है कि 50% से ज़्यादा नए करदाता इनडायरेक्ट टैक्सेस में सामने आए हैं। ग्रोथ रेट 7.5% का अनुमान लगाया है जो भी इस साल के मुकाबले में बहुत अच्छा है, मगर जो दिक्कतें उन्होंने बताई हैं, एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस 12% से अधिक बता रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस बढ़ने का अनुमान है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे और भी प्रभाव पड़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने बताया कि 2% के करीब ऑलरेडी हो रहा है। तो इस पे इसकी वजह से मैं समझता हूँ सरकार के सामने जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी ढील देंगे तो उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो भरपाई है, जो फाइनेंसिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट फॉरेन फ्लोज के माध्यम से होता है, उसमें शंकाएं लोग देखने लग जाएंगे कि सरकार का मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट ढीला हो रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर और उनको बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आर्थिक सर्वे में ये भी कहा है कि फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल कंसोलिडेशन को पॉज दिया जा सकता है, मतलब कि आप थोड़ा सा ढिलाई दे सकते हैं फिस्कल डेफिसिट में। ये एक देखने वाली बात होगी कि बजट में वाकई वित्त मंत्री इसमें थोड़ी ढिलाई देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि केस दोनों तरफ से बन सकता है। मगर क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का इन्होंने अनुमान 2% लगाया है और साथ यही बताया है। वसुदेव साहब, मैं लौटूंगा क्योंकि ये लंबी बात है और इसमें कई इनपुट्स और आएंगे, उसके साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं तथागत सतपथी के पास जाना चाहता हूं। तथागत जी, आप बीजू जनता दल के एमपी हैं और आप सोशल अफेयर्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं। आपसे समझना चाह रहा हूं, जो वसुदेव साहब कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिस्ट का सर्वे है, इसको बजट का संकेत या गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो सर्वे होता है वह ग्राउंड तैयार करता है बजट के लिए। आपको क्या लग रहा है, इसमें जो ग्राउंड बना है उसके आधार पर एक बहुत अच्छा इलेक्शन बजट तैयार हो पाएगा? मेरा हिंदी थोड़ा नॉट सो फ्लुएंट, सो मे आई मिक्स में मिला। जी जी बिल्कुल, एक तो फर्स्ट यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं, देवर ऑल ट्रैवलिंग अब्रॉड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट देवर वेरी इनवर्ड लुकिंग, घूम रहे थे देश विदेश लेकिन अंदर देख रहे थे। तो डिमोनिटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, उसका जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ देश को, उसको ऑफसेट किया जा सकता था अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब डिप किए, इफ वी वुड हैव पास दैट ऑन कंज्यूमर को, ग्राहक को, अगर वो फायदा हम पास ऑन कर देते, तो इसका जो नेगेटिव दो चीजों से हुआ वो हम बहुत परिमाण में उसको मेकअप कर सकते थे, वो हमने नहीं किया, बिकॉज द इनवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट वॉज ग्रीडी, उसको पैसा चाहिए था। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो ग्रोथ और ये जो फिगर्स हमारे मुंह पे फेंक रहे हैं, पब्लिक के फेस में फेंक रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन पब्लिक इसको समझता है, ये 7.4 है या 8.9 है, कौन शर्त लगा रहा है, बेट लगा रहा है। मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूं, मैं गरीब हूं, मैं 101 रुपया बेट लगाऊंगा कि शायद इनका बीजेपी रूल्ड स्टेट कोई एक कर देगा, यूबीआई चालू कर देगा, बट अदरवाइज कोई स्टेट अभी इस सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है जो यूबीआई लागू कर सके। थैंक यू जी। तथागत जी का कहना है कि अभी ये ऐसी माली हालत नहीं है किसी स्टेट की कि वहां यूबीआई लागू किया जा सके। जॉब एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा जोर इस सर्वे में दिख रहा है। इस सरकार ने लगातार कहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर जोर देना चाहती है, जॉब पे जोर देना चाहती है। मनीष सबरवाल हमारे साथ हैं, जो जॉब और एम्प्लॉयमेंट के इस देश के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हैं। मनीष, जो बात अभी तथागत सतपथी ने कही कि सरकार इस हालत में नहीं है कि वो यूबीआई ऐसे ईमानदारी से लागू करे, हो सकता है नारे के तौर पर कहीं लागू हो जाए, लेकिन क्या जॉब क्रिएशन के फ्रंट पर हमको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? जिस तरह से जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, मुद्रा स्कीम से बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पैदा हो रहे हैं कहा जा रहा है,
फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लोग बढ़ रहे हैं, ये कहा गया। आज मैंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से बात की, उन्होंने भी ये बात कही कि ईपीएफओ का डेटा देखिए तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नंबर बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन फिर भी चिंता तो बहुत बड़ी है और इस सर्वे में भी ये चिंता जताई गई है। और जो भी जानकार लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार दो चीजों को तो हर हाल में एड्रेस करेगी बजट में, एक जॉब क्रिएशन, दूसरा रूरल डिस्ट्रेस। जॉब के फ्रंट पे आप कैसे अच्छी खबर लाने के आसार आपको यहां दिख रहे हैं? देखिए, ये डिबेट जो है कि जॉब्स की प्रॉब्लम है या वेजेस की प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत दिन से आपसे यही आर्ग्यू कर रहा हूं कि इंडिया में जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5%, 5%, वो कोई झूठ नहीं है सर। जिसको नौकरी चाहिए उसके पास नौकरी है, लेकिन जो वेतन चाहिए उसको वो वेतन नहीं मिल सकता है। तो इंडिया में जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मल जॉब्स की प्रॉब्लम है। और आज इकोनॉमिक सर्वे में दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स उन्होंने दिए कि 7.5 करोड़ लोग अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आप ईपीएफ और ईएसआई का डेटा देखें, और 12.5 करोड़ लोग हैं अगर आप जीएसटी का डेटा देखें। तो जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना कि इंडिया 90% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, या तो इंडिया 70% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है या 80% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, 90% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड नहीं है। और जो चेंजेस जो आए हैं, लेबर लॉज का थोड़ा चेंज हुआ है, जो जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन वगैरह, 4-5 चीजें, रेरा, बैंकरप्सी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगा कि 35.5 लाख एक्स्ट्रा एंटरप्राइजेस अब जीएसटी के नेट में आए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो 3.5 मिलियन नए एंटरप्राइजेस जो टैक्स पेइंग बने हैं, ये सब एम्प्लॉयर्स बनेंगे। जो एंटरप्राइज टैक्स पे करता है वो धीरे धीरे उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उसके पास क्रेडिट का एक्सेस होता है, उसके पास टैलेंट का एक्सेस होता है। सो जो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम इंडिया में हमेशा थी, क्योंकि हम वेजेस, अगर आप सोचते हैं कि रोजगार की प्रॉब्लम है तो आप हेलीकॉप्टर से पैसा फेंकेंगे, एनआरईजीएस करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि वेतन का प्रॉब्लम, तो आप फॉर्मलाइजेशन करेंगे। और फॉर्मलाइजेशन इस सर्वे ने दिखाया है कि काफी तेजी और काफी डेप्थ और ब्रेथ से हो रहा है। जी संजय झा जी, ये सर्वे कहता है कि जीएसटी और नोटबंदी दोनों का जो भी नुकसान हुआ था, अब हम उससे पार निकल चुके हैं। और जीएसटी पर खास तौर पर, जीएसटी में बहुत सिग्निफिकेंट बात मुझे इस सर्वे की दिख रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सपेयर्स का नंबर 50% बढ़ा है। ये आपको एक अच्छी खबर लग रही है? इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इस बुनियाद पे एक अच्छी इमारत खड़ी होती है, या आपको कोई शक शुभा है? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक सर्वे इस सच्चाई को मानता है कि भारत का जीडीपी अब 6.75 तक ज्यादा से ज्यादा मार्च तक पहुंचेगा। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत का जीडीपी पिछले 4 सालों में गिरता जा रहा है। आपको याद होगा कि यूपीए से इन्होंने अपने न्यू जीडीपी इंडेक्स पर 6.9% की जीडीपी का इन्होंने विरासत लिया था, और 4 साल के बाद यदि जीडीपी अभी 6.75% पर अटक रहा है, तो ये इस बात का मिसाल है कि हमारी प्रगति नहीं हुई। दूसरी बात, जहां तक आपने जीएसटी की बात की, बहुत ही चिंताजनक ये विषय है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के यदि आप नंबर्स देखेंगे तो हमारे एस्टिमेट से बहुत कम पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पर और भी प्रेशर बढ़ेंगे। आलोक जी, आप जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर 112% तक पहुंच चुका है नवंबर तक। इसका मतलब क्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था में इसका नकारात्मक असर और भी बढ़ेगा, और इसके कारण बेरोजगारी और भी आसमान को छुएगी, जो एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे जो युवा जितने लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात कि महंगाई भी बढ़ेगी। अब एक बात जिसको कोई नजरअंदाज न करे कि मोदी जी की सरकार को 4 साल तक तेल का दाम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में था वो लगभग $25 से $30 एक बैरल पर गिर चुका था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पर टैक्स लगा के लगभग 5 लाख करोड़ का इनको लाभ मिला। हम लोगों ने अपने पॉकेट से इनको पैसे दिए, लेकिन उन्होंने 5 लाख करोड़ का क्या किया ये कोई जानता नहीं है। अब जब दाम $75 तक बढ़ने की उम्मीद है, अभी $71 तो हो चुका है, तो हम समझते हैं कि भारत के लिए अब हेडविंड्स आ गए हैं, टेलविंड्स नहीं है। और इसीलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा, बाकी तो बाद में चर्चा होगा, कि बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से इस वक्त पूंजी जो हमारे जो घरेलू जो पूंजी निवेश है वो बिल्कुल अटका हुआ है, वो एक बहुत बड़ा समस्या है और इसका समाधान इनके पास अब नहीं है। जी सुधांशु जी,
आप ये जो बातें अभी संजय झा ने कही, इससे पहले तथागत सतपथी ने कही, इनका मैं आपसे जवाब लूं, इससे पहले मैं आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद हम डिबेट खोलेंगे, उसमें सभी बातों पर चर्चा होगी। आप इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, भारत में जो हाल है इंजीनियरिंग में बेरोजगारों का, अभी जो बात मनीष ने कही कि नौकरी तो मिल जाती है वेतन नहीं मिलता है, लेकिन फिर क्या वजह है कि बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियर घूम रहे हैं, कि स्किलिंग की समस्या भी साथ में खड़ी हुई है। ऐसे में उन बेरोजगार नौजवानों के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर सैलरी वाली, और जो किसानों की समस्या खड़ी हुई है उस पे अच्छी खबर आएगी, उनके अच्छे दिन आएंगे, ऐसा बजट आने की संभावना आपको इस आर्थिक सर्वे के आधार पर दिख रही है? देखिए, इस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आजादी के बाद के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के दौर के ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, संक्रमण काल से गुजर रही है। और इस समय आपने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स की जो भी उसके ऊपर प्रभाव था बड़े टैक्स रिफॉर्म के ट्रांजिशन का, अब उससे अर्थव्यवस्था उभरती हुई और ग्रोथ रेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? बहुत बड़ा सेक्टर, मैं दो पॉइंट कहूंगा जो जिसपे एम्फेसिस करना चाहूंगा, जो इनफॉर्मल था वह फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्ड सेटअप क्रिएट हो रहा है, जैसे आपने इंजीनियरिंग की बात कही, तो इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए कि एग्जांपल देता हूं सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं मानी जाती, रियल एस्टेट सेक्टर उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। अब जैसे ही उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर मॉडिफिकेशन किया है रेरा के बाद, उसमें एफडीआई भारी मात्रा में आने लगा है। जब स्ट्रक्चर्ड होगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और दूसरी बात अगर आप देखें तो जॉब को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें एक फंडामेंटल चेंज गवर्नमेंट लाने में सफल हो रही है। जो मुद्रा योजना में जिन लोगों ने छोटे छोटे वो लिए थे लोन्स, अब जैसे बिल्कुल सही बात कही गई कि एप्रोप्रिएट वेतन नहीं मिलता, वो बिचारे एक प्रकार से व्यवसायी होकर भी, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला था, ऑटो रिक्शा चलाने वाला था, वो तो एक प्रकार से इंप्लॉई था, क्योंकि वो तो एवरी डे जाके पे करता था और मुश्किल से 100-200 रुपए बचा पाता था। अब यदि उसे इंटरेस्ट विदाउट कोलेटरल लोन मिल गया है तो अब वो उसका बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा अपना हो गया, एंड विद इन कपल ऑफ इयर्स वो पूरी तरीके से अपने उसका मालिक हो जाएगा, तो उसे रियल में वो वेतन मिलने लगेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी और जॉब को लेकर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में बदलाव और बिगेस्ट ट्रांजिशन के बाद इंडियन इकोनॉमी इज ऑल सेट टू हैव अ ग्रेट लीप अहेड इन द इयर्स टू कम। इन द ईयर्स टू कम आप कह रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन इस बजट में अभी 3 दिन बाद जो बजट आने वाला है, क्या वहां हमें अच्छे दिनों वाला बजट देखने को मिलेगा? ये एक सवाल है। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। अच्छे दिन निश्चित रूप से आए हैं। आप पूछिए तो उन 3 करोड़ महिलाओं से पूछिए जिनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि वो कभी गैस का चूल्हा खरीद सकें, और उन्हें जिस प्रकार से गैस कनेक्शन मिला उज्ज्वला योजना में, क्या उनको अच्छे दिन नहीं लगे? 57,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का बचा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते हुए, तो वो गरीब आदमी जिसको कि बेनिफिट मिलता नहीं था, ये 57,000 करोड़ रुपया बीच के बिचौलिए खा जाते थे, तो क्या उसको अच्छे दिन का एहसास नहीं हो रहा है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बदलाव का संकेत है। और एक छोटा सा मैंने जैसे बात कही कि जिन लोगों को केवल 50,000 1 लाख रुपए का लोन चाहिए था, उनके पास कभी जिंदगी में वो कोलेटरल ही नहीं होता था, छोटे मोटे दुकान चलाने वाले, छोटा काम करने वाले, उनको जो मुद्रा योजना में मिलना शुरू हुआ, यदि 3 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स ने लिया है ये लोन, तो मानी हुई बात है उनका खुद का रोजगार सृजित हुआ है, और आने वाले 1-2 वर्ष में वो एक या दो और रोजगार उससे सृजित करने की स्थिति में आएंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अच्छे दिन का संकेत है। और एक बात और कहूंगा, इंटरनेशनल एजेंसीज को देखें तो 13 साल के बाद मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई, IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेक्स्ट ईयर भारत एक बार फिर चाइना को ओवरटेक करता हुआ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। तो अगर हम देखें तो जमीन पे खड़े आम आदमी से लेके इंटरनेशनल इंडिकेटर्स तक कहीं ना कहीं अच्छे दिन के संकेत तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जी, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, किसानों की समस्या पे इन दिनों बहुत गहन काम कर रहे हैं, और इससे पहले वो बजट के विश्लेषण करते रहे टेलीविजन पर, चुनाव का विश्लेषण करते रहे। योगेंद्र जी, इस सर्वे को देखने के बाद, अगर इससे पहले के अपने आप निष्कर्षों को किनारे रख दें, इस सर्वे को देखने के बाद आपको कैसे बजट की जमीन तैयार दिख रही है? क्या किसानों के लिए एक अच्छा स्पेशल पैकेज आने के आसार दिख रहे हैं? पहली बात तो मैं लगता है कि
कहनी चाहिए कि ये सर्वे काफी ईमानदार दस्तावेज है, मैंने ध्यान से पढ़ा है, ज्यादातर सरकारी दस्तावेजों से ज्यादा ईमानदार है। मुझे तो लगता है कि आजकल मीडिया में जिस तरह की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे ज्यादा ईमानदार तो ये सरकारी दस्तावेज है। इसमें वो सब बातें नहीं लिखी हुई हैं जो सुधांशु जी गिना रहे थे, मेरे ख्याल में वो दूसरा कागज पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे को यदि ध्यान से देखें तो ये बहुत ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सरकार को कुछ चीजों में एक उम्मीद बांधता है लेकिन साथ में कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां देता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉशियस ऑप्टिमिज्म, उम्मीद करो लेकिन थोड़ा पांव जमीन पे रखो। जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है, ये सर्वे तीन बातें कहता है। अतीत के बारे में ये बिल्कुल ईमानदारी से कहता है कि पिछले चार साल में किसानों की आमदनी में रत्ती भर इजाफा नहीं हो पाया है, स्टेग्नेंट है किसानों की आमदनी। आज के संदर्भ में तीन बात कहता है, कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कम हो गई है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है और फसल की बुआई कम हुई है, तो चिंता की बात है। और भविष्य के लिए बहुत गहरा चिंता का संकेत देता है, कहता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिंदुस्तान में किसानों की इनकम भविष्य में और घटने वाली है और एक ही झटके में 25% तक घट सकती है। और निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, मेरा निष्कर्ष नहीं है, सर्वे का निष्कर्ष है कि कुछ रेडिकल कदम की जरूरत है किसानों की आमदनी को इम्प्रूव करने के लिए। वो अपने सुझाव भी देते हैं, तो जाहिर है मैं इस बात से एक संतोष तो है कि जो हम जमीन पे देखते हैं, गांव-गांव में घूम के देखते हैं, वो बात सरकार के दस्तावेज ने भी कही। और हाँ, एक उम्मीद बनती है, इस देश के किसान की उम्मीद बनती है कि चार साल से जिस सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं, कम से कम अपने आखिरी बजट में किसान की आमदनी, और आमदनी का मतलब होगा किसान को फसल का ठीक दाम दिलवाया जाए, वो होगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। ये कम से कम न्यूनतम अपेक्षा इस आर्थिक सर्वे को पढ़ने के बाद बनती है। जी, तो आपका कहना, दो बातें आप कह रहे हैं, एक तो बहुत ईमानदार दस्तावेज है और दूसरा इससे बहुत कॉशियस ऑप्टिमिज्म झलकता है। मैं वासुदेव साहब आपके पास आना चाहूंगा, और जी योगेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बात पूरी कर लें। मैं कह रहा था कृषि के बारे में कॉशियस ऑप्टिमिज्म नहीं है, कृषि के बारे में तो चिंता और चिंता ही है, और कह रहे हैं कि कृषि में अगर सुधार करना है तो बहुत बड़े और तुरंत कदमों की जरूरत है। जी वासुदेव साहब, इस बात से अभी तक दो सवाल उठे हैं। एक सवाल है कि जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हुए तो भारत में घरेलू बाजार में अगर तेल के दाम कम किए जाते तो शायद इकोनॉमी को एक तेजी मिल जाती, इम्पिटस मिल जाता, और दूसरा किसानों का जितना बुरा हाल है उसको उसका इलाज करने के बहुत दूर दराज वाले तरीके जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होंगे वो होंगे, लेकिन तत्काल असर हो ऐसा कोई सॉल्यूशन संभव है इस बजट में देखने को मिल सकता है? वो हम बताते हैं आपको। देखिए, जहां तक क्रूड प्राइसेस का और हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमारी इकोनॉमी में ताल्लुक है, देखिए जब क्रूड प्राइसेस लो लेवल पे थे, 25 या 30 डॉलर के लगभग आ गए थे, तो सरकार ने जो उसका लाभ मिला था वो तीन तरीके से बांटा गया। कुछ हद तक कंज्यूमर को बेनिफिट दिया, कुछ हद तक जो सब्सिडीज दी जा रही थी इनको ऑयल कंपनीज की, उनकी उसको कम करने की तरफ किया, और तीसरा कुछ अपने वित्तीय संसाधन उससे जुटाए, टैक्स रेवेन्यूज किए। उस वक्त ये भी मेरे ख्याल अंदेशा था, और सरकार ने मेरे ख्याल इंडिकेट भी ये किया था कि ये ज़रा काउंटर साइक्लिकल टाइप डिसीजंस होते हैं, जब दाम बढ़ेंगे तो सरकार के पास, मैं समझता हूँ, कुशन है कि जो उन्होंने एक्साइज और बाकी टैक्सेस बढ़ाए थे जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे, अब उसको कम करने की गुंजाइश सरकार के पास है। और सरकार, मैं समझता हूँ, जब उन्होंने वो मॉपअप किया था टैक्स रेवेन्यू क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से, अब मौका है सरकार के पास, अवसर है कि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको मॉडरेट करने के लिए कुछ टैक्स कंसेशन दे। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी पिक्चर है। दूसरी पिक्चर जो आपने कही, दूसरा सवाल जो आपने उठाया एग्रीकल्चर के मामले में, उसमें मैं समझता हूँ मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दो मसले हैं। सबसे बड़ा जो मीडियम टर्म मसला है जो सबको समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज की डेट में लगभग 60% लोग कृषि पे निर्भर हैं, और कृषि का जो योगदान है जीडीपी में घट के 15% के लगभग हो गया है।
तो ये सस्टेनेबल नहीं है कि 60% पॉपुलेशन जिस पे डिपेंडेंट है उसका जीडीपी शेयर केवल 15%। तो बेसिक नॉन वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर तो इससे एमिनेट करती है। तो मीडियम टर्म में तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज कृषि के ऊपर निर्भर हैं उनको और रोजगार के साधन मिले, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज में बढ़े या और स्किल डेवलपमेंट हो ताकि उनका डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कम हो जाए। ये तो मीडियम टर्म सॉल्यूशन रहा। शॉर्ट टर्म में सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है और जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है और लोग आम एनेक्डोटल एविडेंस भी काफ़ी है इस दिशा में, तो उसके लिए सरकार को दो ही चीज़ें हैं, एक तो इनपुट प्राइसेस किसी तरह कम किए जाएं जो एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा है उनके प्राइस रेम्यूनरेटिव हो ताकि उसकी वायबिलिटी इम्प्रूव हो सके। तो दोनों दिशा में मैं समझता हूँ सरकार कुछ कदम उठा सकती है, मगर काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर को डिस्ट्रेस से निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का ज़्यादा अधिक रोल होता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ अपनी प्लान स्कीम्स टाइप कुछ बना सकती है लोगों को ताकि स्टेट्स उसका लाभ उठा सकें, कुछ सब्सिडीज़ वगैरह फर्टिलाइज़र या MSP वगैरह में कुछ कर सकती है, मगर इसमें सेंटर और स्टेट को मिल के काम करना पड़ेगा तभी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रेस होगा, मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस एंड शेयर ऑफ GDP में जो मिसमैच है ये किसी तरीके से करेक्ट हो। जी तथागत सतपथी जी, जो बात वासुदेव साहब कह रहे हैं इसको अगर आप आगे बढ़ाएं, वैसे तो भारत के 22 राज्यों में इस समय BJP की सरकार है तो इसलिए स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन भी उस पार्टी के अंदर ही सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल ज्यादा बड़ा है, क्या उनको ज्यादा कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए या हमें बजट से कोई उम्मीद करनी चाहिए? बजट से उम्मीद तो जरूरी रहेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं। जैसे मेरे स्टेट में जो मिनरल वेल्थ से जो कलेक्शन होता है रॉयल्टी वो सारा सेंटर के पास आता है। व्हेन वी लूज ट्रीज, हमारे यहाँ अगर एक प्रोजेक्ट आता है पेड़ काटे जाते हैं, कैंपा फंड्स क्रिएट होता है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ वो कैंपा फंड्स दिल्ली में क्यों आए, व्हाई शुड माय ट्रीज आर कट इन माय स्टेट एंड द मनी कम्स टू द सेंटर। और अगर हम बोलते हैं पार्लियामेंट में तो हमें कहा जाता है ठीक है हम कैंपा फंड्स रिलीज कर देंगे, अरे जैसे इनका मतलब फैमिली प्रॉपर्टी हमें दे रहे हैं, और रॉयल्टी से भी जो पैसा आता है वो दिल्ली में आता है, देन दे अपोर्शन इट ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर स्वीट विल। हमारे यहाँ आज के तारीख में द रेलवेज आर अर्निंग ए रेवेन्यू ऑफ अबाउट 17,000 crores पर एनम। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड है ए मीगर 6,000 crores की कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट्स। अगर ब्रिटिशर्स ने कैलकटा से मद्रास तक लाइन नहीं डालते तो शायद ओडिशा में आज तक भी रेलवेज नहीं आते, एंड बिकॉज वी हैड कोल इन अ प्लेस कॉल्ड तालचेर विच इज इन माई कंस्टिट्यूएंसी, बाई चांस वहां लाइन डल गई कि कोयला लाना है वहां से। तो अगर आप बैक भी देखें ये BJP और ये कांग्रेस, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मैं ये फिगर्स नहीं समझता हूं, मैं सोचता हूं कि ये हम्बग फिगर्स हैं, ये लोगों को भकुआ बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं पब्लिक को, हम लोगों को जो लोग सेमी लिटरेट लोग हैं, फिगर्स डोंट मीन एनीथिंग टू मी। जो फिगर दिया जा रहा है ये GDP ग्रोथ बढ़ जाएगा, GDP ग्रोथ इतना हो गया उतना हो जाएगा, कोई लोग शर्त लगा रहे हैं, दिस इज ऑल साउंडिंग वेरी नॉनसेंसिकल टू मी। मेरा कहना है कि ग्राउंड लेवल पे मेरे फार्मर को जब लोन मिलता है एंड ही इज नॉट एबल टू रीपे बैक द लोन, अभी कोई एक स्पीकर कह रहे थे कि वो मुद्रा योजना में रिक्शा वाले को ऑटो रिक्शा के लिए लोन मिलता था, अरे पहले उसका अगर तबीयत खराब हुआ वो दो दिन ऑटो रिक्शा नहीं, ये रिक्शा नहीं चला पाया, उसको किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता था। टुडे इफ द मैन इज टेकन इल और उसका एक एक्सीडेंट होता है, 15 दिन वो हॉस्पिटल में या घर में सो जाता है, हिज लोन अमाउंट इज इंक्रीजिंग। दीज रियालिटीज जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे रियालिटी है, जो फार्मिंग का रियालिटी है, यहाँ तो योगेंद्र यादव जी हैं, ही इज मच मोर एरुडाइट एंड मच मोर नॉलेजबल, मेरा इतना नॉलेज नहीं है,
बट एज अ कॉमन मैन आई सी ऑन द ग्राउंड लेवल ये जो ग्राउंड रियलिटीज है ये हम लुचियंस दिल्ली में बैठ के यहां से डिसाइड नहीं कर सकते हैं फिगर्स डाल के. ये तो ग्राउंड लेवल पे कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. एवरीथिंग गेट स्टॉप्ड हियर. सब पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है. किस स्टेट में इलेक्शन करना है. डीमोनिटाइजेशन का मैंने जो कहा डीमोनिटाइजेशन का रिजल्ट बैड हुआ है. अभी तक गवर्नमेंट में कोई रेडी नहीं है मानने के लिए है कि वी आर सॉरी. हम क्षमा मांगते हैं इस देश से कि हमने डीमोनिटाइजेशन करके गलत करा. गरीबों को मार डाला. कोई कोई पैसा वाला आदमी नहीं मरा. सब गरीब मर गए. तो नोबडी इज विलिंग टू कम अप. कोई ऑनेस्ट आदमी है नहीं इस देश में. ये सेम यूपीए जो खेल खेल रहा था ये भी एनडीए भी सेम थिंग. देर इज नो क्लास डिफरेंस. देर इज नो ऑनेस्टी. कोई ऑनेस्टी नहीं है. कोई मानने के लिए तैयार नहीं है. दिस इकोनॉमिक सर्वे आई ऑल्सो रेड इट. ओके देर इज सम एडमिशन ऑफ यू नो देयर ओन फॉल्ट. कुछ एक परिमाण में एग्री किए हैं कि हां गलती हुई है. बट पॉलिटिकल पावर द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ये अभी भी तैयार नहीं है. इनका ईगो इनको खाया जा रहा है कि अरे भाई ये देश हमारा है. हम टेम्पररी हैं. आज मैं एमपी हूं कल मैं हार जाऊंगा या कुछ भी बदल सकता है. जी तथागत जी मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूं. जो बात आप कह रहे हैं मैं इससे आगे बढ़ाना चाहता हूं. मैं योगेंद्र यादव जी आपके पास आ रहा हूं. अभी तथागत जी ने कहा कि 15% जीडीपी का खेती पर निर्भर है और जबकि 80% जनसंख्या उसमें 15% जीडीपी क्रिएट होती है. इसके साथ आप देखें तो राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा भी खेती पर निर्भर है. ग्रामीण जनता पर निर्भर है. तो एक तरह से अगर आप मैच करना चाहेंगे पॉपुलेशन से तो पॉलिटिक्स मैच होती है. जीडीपी भले मैच ना होती हो. क्या ये वजह है कि किसानों की हालत दरअसल सुधरती नहीं है. नारे बहुत लगते हैं. अब ऐसी वजह होनी तो नहीं चाहिए. वजह तो उल्टी होनी चाहिए क्योंकि जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है जिसके पास ज्यादा वोट हैं लोकतंत्र में उसकी बात सुनी जानी चाहिए. लेकिन भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये है कि किसान सिर्फ किताब में एक है. व्यवहार में जमीन पे किसान बटा हुआ है. नेताओं को पार्टियों को पता है कि बटा हुआ है. 4.5 साल तक वो किसान दुख झेलता है रोता है गुस्सा करता है शिकायत करता है. आखिरी 3 महीनों में वो किसान कुर्मी बन जाता है यादव बन जाता है जाट बन जाता है. उसके आंख में धोल झोंक दिया जाता है और फिर ये बात बन जाती है. मैंने वासुदेव साहब की बात को ध्यान से सुना. तथागत बात की जी की बात को भी बहुत ध्यान से सुना. वासुदेव साहब से मेरा इतना अनुरोध है कि सर ये दीर्घकाल की बातें हम जरूर करेंगे. अरविंद सुब्रमण्यम साहब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही सवाल है करेंगे. आप कह रहे हैं जनसंख्या ज्यादा है गांव में और ज्यादा रोजगार पैदा किए जाएं कृषि के बाहर. अच्छी बातें करने चाहिए. कोई कहेंगे कि खेतों का फसलों का ढांचा हमारे को बदलना चाहिए पैटर्न बदलना चाहिए. अच्छी बात है. लेकिन ये सब तो बाद में नेचुरोपैथी है. जब आपका पेशेंट आईसीयू से बाहर आ जाए. आज की तारीख में तो आपका मरीज आईसीयू के अंदर बैठा हुआ है. उसको आप ये ना कहिए कि दिन में 2 गिलास पानी और पिया करो. पहले तो उसको आईसीयू से बाहर निकालने की कोई व्यवस्था करो. और वो यदि करना है तो सीधे सीधे 2 बात करनी होंगी. आए बाएं की बातें हम न करें बाकी बहुत चक्कर न लगाएं. और वो दोनों बातें केंद्र सरकार को करनी होंगी. पहली बात फसलों का रेम्यूनरेटिव प्राइस फिक्स किया जाए और उसके लिए कानून बनाया जाए. ये जो MSP है जिसके लिए किसान हाथ जोड़ के पीछे पीछे भागता है उसको वो भी नहीं मिलता. एक कानून बनना चाहिए जो स्पष्ट रूप से कहे कि MSP कैसे तय की जाएगी. आज तक दुनिया में किसी को पता नहीं कि MSP तय कैसी होती है. खुद एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को भी नहीं पता कि कैसे तय हुई. आज तक बता नहीं पाए कि कैसे तय करते हैं जी. ये स्पष्ट मेथड हो. कॉस्ट पूरी कैलकुलेट किया जाए. कॉस्ट के ऊपर 50% मुनाफा जोड़ा जाए जो कि बीजेपी ने खुद वायदा किया था. और फिर इसका लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंचाया जाए. ये कानूनी राइट होना चाहिए. और दूसरा ये है कि किसानों को एक मुश्त कम से कम एक बार ऋण से मुक्त किया जाए हर तरह के ऋण से. यदि ये 2 चीजें नहीं होंगी हम सब बहस करते रह जाएंगे कि पेशेंट को कौन सी जड़ी बूटी देनी चाहिए और वो पेशेंट आपका आईसीयू में मर जाएगा. जी योगेंद्र जी यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है. ब्रेक का वक्त हो गया. ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा तो आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा. सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा और उसके बाद हम ये बात भी करेंगे कि क्या घाटे की फिक्र न करके वित्त मंत्री जेटली करेंगे ज्यादा खर्च. देखते रहिए CNBC आवाज. लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.
सीएनबीसी आवाज पर आपका एक बार फिर स्वागत है बजट पर इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस बार एक चुनावी बजट पेश करेगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। कुछ वक्त बाकी है, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप इसका जवाब देंगे क्योंकि जो योगेंद्र जी ने जो दो सुझाव दिए वो कह रहे हैं सीधे केंद्र सरकार के हाथ में। देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर जो यहां पर योगेंद्र जी ने और जो अन्य विशेषज्ञों ने सत्यपति जी ने बोला, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि एग्रीकल्चर को दोनों प्रकार के समाधान चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमारी सरकार दोनों पे बात करी, सिर्फ ये समाधान नहीं जो कहते ना एग्रीकल्चर लोन माफ कर दिया और आप टेम्परेरीली उस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हमें उदाहरण देना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक काम था सिर्फ, यूरिया को नीम कोटेड कर दिया, यूरिया के लिए लाइन लगनी बंद हो गई, यूरिया की कालाबाजारी बंद हो गई, उसके दाम में भी कमी आई और उपलब्धता भी आसानी हो गई। छोटा सा शॉर्ट टर्म का मामला था, किसान को एक राहत मिली। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो बिचौलियों की समस्या थी वो खत्म हुई और सरकार यह भी प्लान कर रही है कि राशन और खाद्य सुरक्षा वाला जो कार्य है वो भी सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल चेंज करने हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो जैसे एक इनकम, हम लोगों ने इनकम स्कीम बनाई है पहली बार ऐसी जिसमें खड़ी फसल और पड़ी फसल दोनों के ऊपर इनकम का इंश्योरेंस होगा। दूसरा, चूंकि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी प्रॉपर हो तो सॉयल कार्ड का कार्य तेजी के साथ चल रहा, तो किसान को यह पता रहेगा कि भाई मेरी इस मिट्टी के अनुसार कौन सी फसल बेहतर उगेगी तो मैं उसी फसल की तरफ ध्यान दूंगा। और उसके बाद हम पूरा एक नेशन वाइड उसका डाटा भी बना सकते हैं, तो उससे हम यह भी तय कर सकते हैं कि कौन सी फसल कहां पे उगाने में ज्यादा फायदा है। इरिगेशन को लेकर जो वाटर बॉडीज बनाई जा रही हैं, इसमें अगर आप ईमानदारी से देखें तो बीजेपी रूल्ड स्टेट जिनको लंबा समय मिला है, 10 से 15 साल मिला है, उन्होंने इसमें काफी कमेंडेबल काम किया है। चौथा एक और उदाहरण देता हूं, लॉन्ग टर्म में सोलर एनर्जी पर जो हमारा इंपेटस है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर गांव और किसान के लिए स्थायी और सहज ऊर्जा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। नहीं, यहाँ सवाल जो है, देखिए वो ये बिल्कुल आप एक अच्छी लिस्ट गिनाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लंबे काम, बहुत सारे काम हैं जो आपने किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फायदा हुआ है और मैंने पीछे 22 राज्य बता दिया, 19 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बजट में कुछ होने की स्थिति दिख रही है। और मैं मनीष सबरवाल के पास एक बार जाना चाहता हूं। मनीष जी, सर्वे में कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है जहां है वहां से थोड़ा सा उस पर एक्सीड किया जा सकता है, तो क्या वित्त मंत्री खर्च की चिंता किए बिना सामाजिक योजनाओं के लिए खर्च करने की हालत में हैं? देखिए, सबसे बड़ा गिफ्ट जो जॉब क्रिएशन को मिल सकता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कम होना, इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, जो स्टेबिलिटी होता है ना, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसानों का हेल्प करना है, द ओनली हेल्प वी कैन डू टू फार्मर्स इज हैव लेस फार्मर्स नो, जितने जो किसान को हम हेल्प कर सकते हैं, 50% हमारा लेबर फोर्स फार्मिंग में नहीं हो सकता है। तो द ओनली वे टू हेल्प फार्मर्स इज टू हैव लेस फार्मर्स। तो ये जो होम्योपैथी और आयुर्वेद और एलियोपैथी की बात चल रही है, ये तो दुखदाई की बात है कि लोग ऐसे हर समय 15 मिनट का प्लान बनाते रहें और कहें कि भाई 1 साल 10 साल का प्लान हो ही नहीं सकता है क्योंकि पेशेंट आईसीयू में है। पेशेंट तो 50 साल से आईसीयू में है, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उनका वजन कैसे कम करें या उनका हेल्प करें, यू नो। तो जो अ जॉब चेंजेस अ लाइफ इन अ वे दैट नो सब्सिडी एवर कैन, और जो ये रेजीम जो चेंज हो रही है, फॉर्मलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी से वेतन बढ़ेगा। इंडिया में रोजगारी की प्रॉब्लम नहीं है, वो वेतन की प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगा और धीरे धीरे। और ये जो लोग बात नहीं कर रहे हैं कि 35 लाख नए एम्प्लॉयर पिछले 18 महीने में आए हैं जिन्होंने टैक्स दिया है, बिना एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई तो है ही नहीं। तो जो 35 लाख एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर्स जीएसटी में आए हैं उसका मुझे काफी होप है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब मेरे पास समय कम है तो मैं थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणियां लेना चाहूंगा। मैं संजय झा, जो बात मनीष कह रहे हैं, 35 लाख नए एम्प्लॉयर या जीएसटी में 50% नए टैक्स पेयर जो आ गए हैं, उनको आप एक वेलकम स्टेप नहीं मानते हैं? ये नहीं मानते हैं कि जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे वो टैक्स नेट में आ रहे हैं और जब वो यहां आएंगे तो धीरे धीरे कमाई भी बढ़ेगी?
मैं आलोक जी आपको संक्षेप में इसका जवाब दूंगा। ये दुनिया में किसी भी देश का आप यदि तजुर्बा देखेगा तो डिजिटाइजेशन कभी भी अचानक जो कहते हैं ना कि अकस्मात्मक तरीके से एब्रप्टली आप शुरू नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे होता है, ये जबरदस्ती आप ठोप नहीं सकते हैं डिजिटाइजेशन। और दूसरी बात कि हम इस गंभीर विषय को नजरअंदाज न करें जो अब रिपोर्ट में आ चुका है सार्वजनिक तरीके से कि आज 1% भारत के नागरिक 73% भारत की संपत्ति उनके हाथ में है। यदि असमानता इतना बढ़ता जाएगा हमारे समाज में और सरकार इसको बिल्कुल एक तरीके से नाकारेगी तो इसका बहुत ही एक संजीदा एक एक विषय। लेकिन संजय जी ये सवाल घूमकर आपकी तरफ जाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय आपकी पार्टी की सरकार रही है और ये ट्रेंड अभी पिछले 3 साल में शुरू नहीं हुआ है, इसमें बढ़ा होगा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शुरू नहीं हुआ। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आपको याद होगा कि 2014 में 1% लोग के पास 49% उनके पास संपत्ति था और 4 साल के बाद यदि वो 73% हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यहां कोई गति शक्ति गति मात्रा ये बता रहा है कि संकट काल का एक स्थिति आ जाएगा। दूसरी बात कि देखिए जहां तक बेरोजगारी का सवाल है हम उस पर गौर करें। यहां पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके हल्के और बहुत मजाकिया तरीका से उन्होंने कहा ये तो पकौड़ा बना लेते हैं, मैं समझता हूं कि ये पकौड़ा इकोनॉमिक्स नहीं है। ये यहां पर भारत के भविष्य के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ आपके विशेषज्ञ बैठे हुए जो कहते हैं कि बेरोजगारी समस्या नहीं है। भाई साहब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप जानना चाहते हैं तो जाके देखिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल है। ग्रामीण क्षेत्र को यदि यहां पर जेटली जी ने संसद में कहा कि हम 5 साल में आमदनी दुगना कर देंगे, इसका मतलब 12% आपको सालाना वहां पर प्रगति करना था। जी संजय जी मेरे पास क्योंकि समय कम है मैं एक बार क्विक कमेंट है योगेंद्र यादव जी से लेना चाहता हूँ। योगेंद्र जी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि इतने किसान की खेती पर निर्भर रहेंगे, एक जोत के 8 हिस्से हो गए हैं, उन किसानों के पास इतने छोटे खेत बचे हैं कि वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा रोजगार मिले वो किसी दूसरे काम में लगे तो शायद खेती एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान का गांव इतिहास में कभी भी केवल कृषि का गांव नहीं रहा था, आज भी नहीं रह सकता, कल भी नहीं होगा। आपको गांव में कृषि के अलावा दूसरे रोजगार खोजने होंगे, लेकिन आज जो 49% लोग खेती में हैं उनको अगर आप कोई ब्रिज नहीं देंगे यहां से वहां तक जाने का तो हम उनको मारने की व्यवस्था कर रहे हैं। मनीष जी ने जुमला इस्तेमाल किया कि लॉन्ग टर्म वाले के बारे में उन्होंने कहा ना ये सब कुछ चीज कि द बेस्ट वे टू हेल्प द फार्मर इज टू हैव लेस फार्मर्स। मैं जुमले का कैसे जवाब दूं, मैं कहूं गोली लेस फार्मर नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बात साफ की, उन्होंने कहा कि लोग फार्मिंग पर निर्भर ना रहे। मैं एक लॉर्ड कीन्स का एक जी वो मैं जान रहा हूं, मैं लॉर्ड कीन्स बता देता हूं, शायद इकोनॉमिस्ट हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझेंगे। लॉर्ड कीन्स ने बोला था इन द लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस आर डेड। जी ये डायलॉग काफी चला हुआ है क्योंकि इन दिनों पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे चाहता हूं, आश्वासन दीजिए देखने वालों को और कोई अच्छी खबर दीजिए। क्या वित्त मंत्री जी सारी चिंताएं छोड़कर और एक मिडिल क्लास भी जानना चाहता है कि उसको क्या फायदा होगा, तकलीफ तो उसने काफी उठा ली। देखिए मैं कहूंगा अच्छी खबर के लिए 3 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और सरकार समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को ध्यान में रखकर एक प्रभावी और उपयुक्त बजट देगी। हाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, अभी संजय झा जी ने जो 1% वाली बात कही थी, आंकड़ा क्या है और उसके पीछे पृष्ठभूमि अलग बात है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई आप तो वो लोग हैं जो एक परिवार के अंदर सारी अपनी पार्टी की 70% सत्ता रखे हुए हैं और आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कम से कम कांग्रेस के द्वारा यह बात बहुत युक्ति संगत नहीं प्रतीत होती है बल्कि थोड़ी हास्यास्पद प्रतीत होती है। आपका परिवार तो आरएसएस नहीं, इसमें व्यक्तिगत में हमारा परिवार सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। उन्होंने उसको लाइटर नोट पे कह दिया, हमारे परिवार तो सब कुछ छोड़ के बैठा रहता है। लेकिन मैं परिवार मैं, बगैर कुछ किए जी तो मैं एक आखिरी कमेंट वासुदेव साहब से ले लूं। वासुदेव साहब इस बैकड्रॉप में आप बजट से क्या मेन थीम आती हुई देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वित्त मंत्री अरुण जेटली 3 दिन बाद हमें हेडलाइन क्या देंगे, पॉपुलिस्ट बजट? देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, ये सबको मालूम है कि लास्ट बजट है इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन से पहले तो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ भी नज़रअंदाज नहीं किए कर सकते हैं। इकोनॉमी के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत चैलेंजेस हैं,
तो ये सब बैलेंस करके करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल वजन हो सकता है इस बजट में, आम बजट के मुकाबले में थोड़ा अधिक हो। जी, और अब जो हमने सवाल पूछा आज अपने दर्शकों से कि क्या इस बार का बजट नरेंद्र मोदी की तरफ से एक चुनावी बजट होगा, उसका जवाब देख लेते हैं। जवाब सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या इस बार मोदी सरकार एक चुनावी बजट पेश करेगी? 74% लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा है, 26% का मानना है कि ऐसा नहीं है। और जो परिस्थिति है, जो परंपरा है अब तक, वो ऐसी रही है कि चुनाव के पहले अगर चुनाव आने वाला हो तो जो बजट पेश होता है वो चुनावी होता है। CNBC आवाज पर बजट पर इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।